गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट असेक्सुअल प्रोडक्शन मेथड, दैट इज बडिंग. बडिंग इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एन आउटग्रोथ डेवलप्स ऑन अ बॉडी ऑफ स्पेसिफिक साइट बाय रीजनरेटिव सेल्स कॉल्ड ब्लड. यानी कि जैसे यूनिसेलर में तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक साइट हैं, जैसे यहाँ पर है, और यहाँ पर कुछ स्पेशल सेल्स हैं जिनको हम रीजनरेटिव सेल्स या टोटिपोटेंट सेल बोलते हैं, और उनमें डिवीज़न की जो है कैपेसिटी होती है. तो वो डिवीज़न करके यहाँ पर एक आउटग्रोथ लाइक ऐसा बनाते हैं, और इस आउटग्रोथ को ही बड बोलते हैं. और रिपीटेड सेल डिवीज़न के बाद इट डेवलप्स इनटू बड, एंड आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ दिस बर्ड इट डिटैच फ्रॉम इट्स पेरेंट एंड बिकम टू अ न्यू इंडिविजुअल. तो दिस इज़ द मैथड ऑफ बडिंग, एंड यू हैव स्टडीड दिस मैथड ओनली इन यूनिसेलुलर इन प्रीवियस क्लासेस, बट बडिंग इज फाउंड इन यूनिसेलुलर एज वेल एज इन मल्टीसेलुलर. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल, यूनिसेलुलर में सिंगल सेल, देर इज नो स्पेसिफिक साइट बिकॉज सेल इज नॉर्मल, सेल इज इक्वल. तो सेल इट हैज़, फॉर एग्जाम्पल वी स्टडी इन ईस्ट, इट हैज़ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द वैक्यूल, दिस इज द साइटोप्लाज्म. तो कहीं से भी क्या होगा, सेल में आउटग्रोथ बननी शुरू हो जाएगी, और ये एज अ बड जो है फंक्शन करेगी. और ईस्ट में क्या होता है, चैन के थ्रू, जैसे बड जो है बार बार लगातार बनती जाती हैं, तो इस तरह से चैन में भी कई बार बड देखने को मिलती हैं. और जब ये बड डिटैच होएंगी तो एक न्यू इंडिविजुअल ईस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी. इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बडिंग के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है हाइड्रा का, जो एक सिलेंट्रेटा का मेंबर है, जो 9th में आप लोगों ने पढ़ा था. तो हाइड्रा में क्या होता है, इसकी बॉडी में स्पेसिफिक साइट जहाँ पर टोटिपोटेंट सेल होंगी उससे बड डेवलप होगी, और ये बड क्या होगी, ग्रोथ करेगी धीरे धीरे, और यहाँ से जब वो मैच्योर हो जाएगी, तो मैच्योर होने के बाद बॉडी से डिटैच होकर के फिर कंप्लीट न्यू हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगी. दिस इज़ द मेथड ऑफ बडिंग. आफ्टर दैट नेक्स्ट मेथड इज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दैट मीन्स रिप्रोडक्शन बाय द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट. Now question arises, what is the meaning of vegetative parts? Plant has two parts, that means vegetative, जिसमें आता है जो reproduction में help नहीं करता, जिसका reproduction से कोई लेना देना नहीं है, that means stem हो गया, root हो गया, leaves हो गया, और भी कोई part, tendril है, spine है, कुछ भी. और जो reproductive parts में आता है flower, क्योंकि reproduction जो है plants में केवल फ्लार क्या है, उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है. तो फ्लार के अलावा जो रिप्रोडक्शन में नहीं हेल्प करता, तो वो है हमारा वेजिटेटिव पार्ट. तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब है इन वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन का होना ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है. तो अब ये नेचर में भी मिलता है, और इसको अब हम आर्टिफिशियली भी करने लगे हैं. नेचुरली अब कुछ स्टेम में क्या है, कुछ प्लांट में स्टेम के थ्रू होता है, एग्जांपल है पोटैटो है, मिंट है. कुछ प्लांट लीफ के थ्रू नेचुरली ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रायोफिलम है. तो इनमें भी आप क्या देखोगे कि इनके जो ये नोच है, ये जो आप गहराई देख रहे हो, नोच बोलते हैं इनको, और इनमें छोटे छोटे बर्ड्स होती हैं. और जैसे ही ये लीफ प्लांट से अलग होती है, तो इन बड की वजह से क्या होगा, नया प्लांट जो है ग्रो करेगा. तो रूट, कुछ प्लांट की रूट न्यू प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती है, जैसे स्वीट पोटैटो. तो ये तो जो थे नेचुरली अकरिंग थे, और आर्टिफिशियली भी बहुत सारे होते हैं. आर्टिफिशियल में मेथड में आता है कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग. तो कुछ भी आप, चाहे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नेचुरली हो चाहे आर्टिफिशियल, आपने क्या बात ध्यान रखनी है, बड मस्ट बी प्रेजेंट ऑन वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल. प्रोपेग्यूल बोलते हैं जिससे हम रिप्रोडक्शन करने जा रहे हैं, उस पार्ट प्लांट के उस पार्ट को प्रोपेग्यूल कहते हैं. जैसे पोटैटो में प्रोपेग्यूल क्या हो गया, स्टेम, और प्रायफिलम में लीफ, स्वीट पोटैटो में रूट.
तो लेकिन इनमें सब में एक बात आपने ध्यान रखनी चाहिए, जो भी आप पार्ट ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन को ले रहे हो दैट इट मस्ट हैव बड होने इसमें बहुत ज़रूरी है। इसके बाद क्या है, आर्टिफिशियली में जैसे कई बार ह्यूमन बीइंग अपने टाइम को बचाने के लिए और या कई बार कुछ प्लांट में फ्लावरिंग देर से होती है और कई बार अपने टाइम को, मनी को, हर चीज़ को बचाने के लिए क्या करते हैं, आर्टिफिशियली भी प्रोपेगेशन करते हैं। और इस तरह का ज़्यादातर एग्जांपल देखा जाता है बनाना में, ऑरेंज, रोज़ एंड जैस्मिन में। तो क्या क्या मेथड यूज़ करते हैं, सबसे पहला स्पेशल मेथड है और ये आपने अपने घर में भी कई बार देखा होगा, कटिंग कई बार हम लोग करते हैं। तो हम प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट को कट कर लेते हैं, बट इट्स मस्ट बियर बड, तो बड होनी चाहिए उस, और बाद में उस पार्ट को सोइल के अंदर बरीड कर देते हैं, लगा देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, उस में वो प्लांट नई तरह से, नए सिरे से न्यू प्लांट में ग्रो हो जाता है। फॉर एग्जांपल रोज़, शुगर केन, मनी प्लांट, पोटैटो। तो इस तरह से कटिंग एक एग्जांपल है। इसके बाद आता है हमारा ग्राफ्टिंग। आजकल ये बहुत कॉमन मेथड है ग्राफ्टिंग का। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, जैसे हम इसमें क्या कर सकते हैं, दो प्लांट के दो पार्ट को हम जोड़ सकते हैं। और इसमें क्या होता है, वो जो दो पार्ट हम जोड़ रहे हैं उन पार्ट में भी दोनों सेम स्पीसीज़ के होने चाहिए, वैरायटी हो सकता है अलग हो, तो स्पीसीज सेम हो। तो इसमें करते क्या हैं, जैसे एक तो हम पोटेड प्लांट ले लेते हैं जिसकी रूट अच्छे से डेवलप है, सोइल के अंदर अच्छे से सेट है, तो उसको तो हम बोलते हैं स्टॉक, और ऊपर का हिस्सा उसका काट देते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसमें कटिंग करके उसके जाइलम तक पार्ट को, और वहाँ पर दूसरे प्लांट को, जैसे आप एग्जांपल के तौर पर हमने एक प्लांट, एक मैंगो पर दूसरे मैंगो की जो है सायन जोड़ना है, तो सायन बोलते हैं जो हमें जिसका पार्ट हमें उस प्लांट पर ग्रो कराना है, स्टॉक पर ग्रो कराना है, तो हम उस सायन को और उस स्टॉक के दोनों के जाइलम फ्लोएम तक उनकी कटिंग करके उनके जाइलम और फ्लोएम को अटैच कर देते हैं और फिर उसके ऊपर ग्राफ्टिंग क्ले लगा करके अच्छे से रैप कर देते हैं पॉली बैग से या कोई भी टेप वगैरह से। तो इससे क्या होता है, थोड़े दिनों बाद फिर जो प्लांट, जो सायन हमने लगाया है वो अच्छे से ग्रो कर जाता है और वहाँ पर उसको अपने, जैसे बिना रूट वो अपने स्टॉक की यूज़ करता है और जो फल फूल जो हमें मिलते हैं वो हमें सायन वाले मिलते हैं। तो ये आजकल बहुत कॉमन तरीका है ग्राफ्टिंग का। इसके बाद आता है, और ये मिलती है शुगर केन में, रोज़, ग्रेप्स, मैंगो, आजकल तो ग्वावा, इन सब में करने लगे हैं। लेयरिंग का मतलब होता है जो जिनके जो प्लांट होते हैं जिनकी ब्रांच सॉफ्ट होती है, वुडी नहीं, जो सॉफ्ट होते हैं, तो उनका क्या करते हैं, उनकी मैनी ब्रांचेस होती है जैसे, तो उनमें से एक ब्रांच को जाइलम या फ्लोएम इस तरह से कट करके, जाइलम तो रहने देते हैं लेकिन हाँ क्या करते हैं, फ्लोएम रहने देते हैं, जाइलम को काट देते हैं। तो इससे क्या होता है, वहाँ पर स्वेलन हो जाती है और वहाँ पर नई रूट उगनी शुरू हो जाती है क्योंकि उसे पानी नहीं मिलता, और पानी नहीं मिलता तो वो क्या करता है, अपनी नई रूट बनाता है, तो जाइलम को कट कर देते हैं, तो यहाँ पर नया रूट जो है ग्रो कर जाता है। जैसे ही न्यू रूट ग्रो करती है तो पुराने प्लांट से उसका कनेक्शन काट देते हैं। तो ये एक तरह का मेथड है लेयरिंग का, और इस तरह की जो लेयरिंग है ज़्यादातर जैस्मिन और इस तरह के प्लांट में मिलती है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है।